दोस्तों विकत आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा आज जो है हमने एक हमारी छत पे ना एक फिंच आके बैठी थी, आपको याद होगा पहले मैंने जो काफ़ी सारी फिंचें रखी थी सेम वैसी थी, ब्लैक फिंच थी ना, तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अच्छा वो पहले यहाँ पे आके बैठी इधर बाहर ना, तो मैंने ये मास्टर केज का गेट खोल दिया, मैंने कहा शायद तोतों वगैरह को देख कर अंदर आ जाए, मगर फिर मैं उसको थोड़ा घेरा मगर वो नहीं आई, फिर वो आगे जाके ना उड़ी और बाहर से काफ़ी घूम के आई और फिर वापस आके ना वो सामने ग्रिल पे बैठ गई, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं ना थोड़ी सुस्त भी हो रही थी तो मैंने उसको पकड़ लिया है बड़ी मुश्किल से ना, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैंने उसको यहाँ पे लाके केज में डाला है और दाना पानी डाला है और तब से वो दाना पानी खाए पी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। मैं खाली काफ़ी टाइम से वो निकली हुई थी और जैसे ही बोली ना उसके पीछे चील वगैरह भी लग गई थी, शुक्र है वो चील से बच गई, तो मैंने उसको अभी यहाँ पे सेफ कर लिया। इसके लिए फिर इंशाल्लाह हम फीमेल भी लेके आएंगे, तो मैं आपको आए वो दिखाता हूँ फिंच ना। ठीक है मास्टर केज के अंदर है और ये वाला जो केज है इसके अंदर मैंने डाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको अभी तो यही वाला दाना डाला है जो हम डालते हैं इनको अपने लेबर्ड्स को, और जो है यही वाला हमने इसको दाना डाला है क्योंकि इसके अंदर कंगनी भी होती है। और ये देखें ये फिंच है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा डर रही है ये ना, ये एक जगह बैठे तो मैं आपको फिर दिखाऊँ। ये देखें बैठ गई माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ब्लैक चेक है, मेल है। और इसके अलावा जो है ये वाला जो हमारा लवबर्ड का पेयर है इसके बच्चे भी निकले हुए हैं मेरे ख्याल से, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसके बच्चे निकले हुए हैं, लॉटिनो हैं कौन से हैं और रेड आई बच्चे हैं इसके, हमने फॉस्टर किए थे कि पता नहीं क्रीमिनो हैं। अच्छा बाकी अभी आपको शोर वगैरह आ रहा होगा तो हमारे मास्टर केज में जो अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, यहाँ पे जो है ये नीचे यहाँ पे कुंडी लगनी है ना ये वाली, तो इसका ही काम चल रहा है। और ये हमने फिर सीमेंट से जो ऊपर करवाया था इसके अंदर हमने इसका जो है वो जगह रखवाई थी, इसके अंदर ही आ जाएगी और ये यहाँ पर जो है टाइट होगी, ये देखें ये इस तरह लग जाएगी यहाँ पर ना। बाकी अभी जो है इनको पानी वगैरह भी डालना है लबर्ड वगैरह को, और देखिए सबकी एक एक कटोरी है। अच्छा ये वाली जो फीमेल है ना इसको पहले हमने एक मेल के साथ लगाया था, फिर दूसरी, फिर ये जो है ना दूसरा मेल ऊपर था तो उसके साथ पेड़ लगाई थी, फिर हमने दूसरे मेल के साथ छोड़ा, फिर नीचे वाले मेल के पास जाने लग गई। हमने क्या किया है हमने जो है ना इसको दोनों मेल्स के साथ डाल दिया है, वाइट वाली जो फीमेल है और वो दोनों जो है ना पार्ट ब्लू, ये दोनों पार्ट ब्लू मेल हैं, तो अभी जिसके बाद फिर पेयर अपने हिसाब से लगा लेगी, फिर हम इस एक को अलग कर देंगे और जो एक को हम अलग करेंगे ना वो फिर हम इस अल्बाइनो के साथ डाल देंगे, ये वाली जो अल्बाइनो है ना हमारी, क्योंकि जो है एक ने इसके साथ पेयर लगाना है और एक ने उसके साथ, तो वहाँ ये दो पेयरिंग बनेंगी। बाकी सारे लबर्ड वगैरह देखें सेट है। अच्छा फिर ये जो फिंच है ना हमारी इसके लिए देखें मैं फीमेल लाऊँगा और इसका शायद केज भी चेंज कर दूँगा, सामने वाला दे दूँगा, इसको ना थोड़ा बड़ा भी है और उसमें एक छोटी मटकी भी लगा दूँगा, फिर ये इंशाल्लाह ना ब्रीड भी करेगी, क्योंकि इसमें वैसे प्रॉफिट तो है नहीं कोई फिंचेज में क्योंकि कंगनी इतनी ज़्यादा महंगी है, तो जो बस वैसे ही एक पेयर रख लेंगे ऐसे शौक के लिए। और ये देखें कैसे ये ज़्यादा भाग रही है। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा ना वीक भी हुई है, अब इसको खिलाएंगे पिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। अच्छा आप ये देख रहे होंगे एक बजरी हमारा जो है यहाँ बाहर घूम रहा है, ये जो है काफ़ी बुढ़ा हो गया है और ना इसको इसके परों में ना फालेज हो गया, तो अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये जो है ना उड़ नहीं सकता और ये काटता भी नहीं है क्योंकि बुढ़ा है। और ये देखें ये हमारा हैंड टेम हो गया बजरी, अब मैं इसको जो है यहाँ बाहर खुला रहने देता हूँ, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से घूमता रहता है और जो है कहीं भी नहीं जाता और डरता भी नहीं है मुझसे, देखें मेरे हाथ पे भी कैसे आराम से आके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये ना, मैं आपको एक बार करीब से दिखाता हूँ। ये देखो और ये देखें इसको मैं यहाँ बिठा देता हूँ, फिर ये जो है ना अब जैसे मैंने इसको यहाँ बिठा दिया, अब इसको जो है यहाँ से अगर नीचे जाना होता है तो ये जाली पे से यूँ चढ़ चढ़ के नीचे चला जाता है। और इसके लिए देखें मैंने यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है ये इस कटोरी के अंदर, और यहाँ इनका दाना वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिरा होता है, मोर के बच्चे भी देखें यहाँ पे खाते रहते हैं दाना वगैरह ना, तो ये देखें अभी भी खा रहे हैं, इनका जो दाना गिरता है उसमें से ये बजरी भी हमारा खा लेता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।